उसके अलावा हमारी स्कूटी जो है स्टार्ट हो गई है। ये लाइट मैंने टेढ़ी कर दी क्योंकि रोशनी की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बाकी ये हमारा फ़ोन हैंड हो गया है। देखो भाई मैं बता रहा हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथ में ग्लव्स देख रहे हो, तो ये जो वीडियो है काफ़ी मेहनत हो रही है इस वीडियो में यार। एरिया देखो कैसा होने वाला है, रोड दिखाता हूँ मैं, रोड देखो कैसा होने वाला है। ये देखो इस रोड पर चलेगी बाइक स्कूटी, देख रहे हो रोड कैसा है, और ये पूरा नीचे उतर रहा है ऐसे ये। चलो भाई ठीक हो, यहाँ का नज़ारा देख लो, बहुत बेहतरीन नज़ारा है, एकदम बेहतरीन है। फटाफट से यहाँ पे निकलते हैं कि हमें ढाबा मिल गया है और हमारी बाइकें हो गई हैं यहाँ खड़ी, स्कूटी मेरी वो खड़ी है। ये कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे भाई? हाय बोल रहे थे। तो भाई ये हाला है, अमर भोजनालय मूर्थल कुमार के नाम से ढाबा है, ये हमें मिला है। सबसे पहली बात खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना ऑर्डर करने के बाद खाते हैं और देखते हैं आगे का क्या होने वाला है। यहाँ से निकलना है मनाली, तो फटाफट से फटाफट खाना खा के निकलते हैं यहाँ से। तो भाई खाना खाने के बाद कॉफ़ी तो बनती है क्योंकि सफ़र होने वाला है 5 घंटे का, और 5 घंटे का सफ़र आपको पता ही है कैसा होगा, वो भी पहाड़ों में गाड़ी चलानी है। अभी फिलहाल तो स्नो बिल्कुल भी नहीं है, अगर रोड की बात की जाए तो ब्लैक आइस बिल्कुल नहीं है। ब्लैक आइस आप सुन रहे हो कि काली बर्फ़ होती है तो ऐसा नहीं है, रोड पे बर्फ़ जम जाती है, वो बर्फ़ घिसते घिसते एक लेयर में बदल जाती है और उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है जो रोड के नीचे का कलर और बर्फ़ के ऊपर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं ब्लैक आइस। वो बहुत ज़्यादा स्लिप करती है, इसी वजह से हम उस पर चल नहीं पाते और बहुत परेशानी, उसको ब्लैक आइस बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हमने कॉफ़ी एक ऑर्डर की थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस ढाबे की सारी सुविधाएं काफ़ी अच्छी लगी मुझे, खाना अच्छा लगा, कॉफ़ी बहुत प्यारी लगी, बहुत टेस्टी, बिल भी बहुत अच्छा आया, बहुत मज़ा आया उसे देख के, उसे पे करके। तो फटाफट से आगे का देखते हैं जैसे भी है, और स्कूटी स्टार्ट करके निकलते हैं यहाँ से। तो भाइयों अभी फ़िलहाल जो है हमने खाना खा लिया है और हम निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। ये सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला है क्योंकि नज़ारा कुछ ऐसा मिलेगा जैसे कि आप देख रहे हो सामने, और आगे भी ये पता नहीं कौन थे भाई। तो भाई आगे निकलते हैं यहाँ से बहुत तेज़ी से, और उसके बाद आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। अगर कुछ बढ़िया सा मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, और वो की तरह कि वीडियो लंबी करके खींच दी और कुछ भी नहीं है, बस खींचे जाओ, तो वो चीज़ नहीं, शॉर्ट टर्म में अच्छी वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा मैं। तो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और बहुत तेज़ी से, ठीक है भाई, आगे मिलते हैं आपसे। तो भाइयों इस रोड को देखो यार, ये रोड बहुत ख़तरनाक होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम रात में राइड करेंगे क्योंकि हम हो गए लेट, हमने सोचा था हम यहाँ से 4:30 बजे निकल लेंगे, बट अभी बज रहे हैं हमारे 6:03 और 6 बजे हम यहाँ पर हैं, और यहाँ से मनाली है पूरा नेट 185 किलोमीटर दूर है, और हमने पूरा कोशिश करेंगे कि भाई 185 किलोमीटर पूरा कवर कर लें। भाई यार ये जो रोड़ी पड़ी है रबड़ी, ये रोड़ी जो है बजरी, ये बड़ा डर लगती है यार इससे घूमने में। ये भाई साहब एक ही वन वे रोड है, ये वन वे जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक रोड है यार इसमें, क्योंकि एक तो बजरी पड़ी है, रोड सही नहीं है, थोड़ा बहुत रोड सही है ये वाला, यहाँ से सही है रोड, और बजरी बजरी गिर जाती है ना भाई साहब डर लगता है, क्योंकि बगल में जो है कुछ भी नहीं है जैसे कि देख रहे हो, बहुत गहरी खाई है। ये देखो देखो यार तुम देखो, ये देखो, देखते रहो बस तुम, अब देख लिया, अगर देख लिया तो भाई पता ही लग गया होगा कितनी हालत फंस रही है। तो भाई स्कूटी से तो आ गया, कंफर्टेबल भी काफ़ी हूँ गाड़ी स्कूटी चलाने में, पर ये जो रोड है ना बड़ी ख़तरनाक सी है, और ये इस ख़तरनाक रोड पर भी ले जाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंडिकेटर मैंने ऑन कर रखे हैं और हेडलाइट मैंने जला रखी है, 2 बंदे पीछे लग रहा है, हम टोटल 5 बंदे हैं भाई, 5ों के 5ों, उसमें से एक मैं हूँ, एक मेरा दोस्त है और एक मेरा दोस्त है, और 3 दोस्त और लगे हैं, सबसे इंट्रोड्यूस करा ही चुका हूँ शायद, और खाना वाना भी खा लिया हमने। तो भाई निकल रहे हैं ऐसे, देखो यार ये जो रोड है ना, इस रोड पे अगर दिन में बाइक चलाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि रात में क्या होता है लेपेड वगैरह टाइगर वाइगर कुछ भी आने का डर होता है, और दूसरी चीज़ ओस बहुत ज़्यादा जम जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, अभी भी कुल्फी जम रही है मेरी इस टाइम में, बट कोई नहीं मैनेज कर लेंगे, क्योंकि भाई आपके लिए वीडियो बनानी है और मेहनत करना जारी है, मेहनत करना भी ज़रूरी है, और वो भी अभी जारी हो रखा है। ये देखो हमने बोल रखा है भाई कोई भी बंदा ज़्यादा के निकल जाए तो रुक जाना, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा पकड़ने वाला है नहीं, मैं मुश्किल से 50, 30, 40, 40, 40, 30, 40 मैक्सिमम 50, इससे ज़्यादा अब जैसे रोड है ये वाली 50 पे चले जाएगी, यहाँ पर जैसे एकदम तीव्र मोड़ आएगा ना एकदम खतरनाक वाला, तो वहाँ पर क्या होगा दिक्कत होगी, जैसे मान लो ये सामने ट्रक आ गया तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा। अरे यहाँ रुक जाओ, यहाँ पर ये आ गया ट्रक, अभी ट्रक निकलने देंगे हम, और ये देखो नीचे गहरा गड्ढा, तो ये ट्रक यहाँ से आ गया है, बड़ा खतरनाक वाला सीन हो गया है, देख रहा हूँ। अब ये मान लो ये जो ट्रक है पूरा सीधे सीधे लेके जाएगा ट्रक इसी रोड पे, और आगे भी बंदे आ रहे होंगे तो भाई वो तो मतलब फंस जाएंगे। चलो यहाँ तो मेरे को प्लस पॉइंट मिल गया,
ट्रक वाले भाई सब समझदार हैं, उन्होंने रोक ली गाड़ी, वरना हमें दिक्कत होती। तो भाई अभी देखते हैं क्या होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है, कुछ अलग और यूनिक मिलेगा तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। इस वीडियो बने हो तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर दो यार, रिक्वेस्ट है भाई छोटी सी भाई जी, आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा तो किससे बोलूंगा, मतलब वही ना आपसे नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा भाई, इसीलिए आपसे बोल रहा हूं भाई जल्दी फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो। मेरे दोनों हाथ मेरे दोनों हैंडल पे, इसलिए मैं आपसे हाथ नहीं जोड़ सकता हूं, वरना मैं जोड़ लेता। लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको लगी क्या होगा पता कि मैं कितनी ज़्यादा मेहनत हो रही है मेरी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लाइक कर दो भाई। स्कूटी लेके इधर आ गया हूं मैं, मेरे को हंसी भी आ रही है और खुशी भी हो रही है कि भाई ऐसा हो सकता है पॉसिबल मेरे से। ठीक है भाई, ये देखो भाई बड़ा खतरनाक रोड है, ये देखो भाई कम से कम मतलब इसके लिए तो लाइक कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना तो कर सकते हो। निमला यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो भाई अभी तो बहुत आगे जाना है और देखते हैं आगे का सफर कैसा होने वाला है, फटाफट से वीडियो को करते हैं आगे। तो भाई यहाँ पर देखो ये जो है माहौल यहाँ का बहुत गर्म होने वाला है, क्योंकि भाई बहुत ठंड में रह लिए। अब जरा इस टनल का सारा हल्का सा सूट देख लो, बस बड़ा गजब है। और गाड़ी यहाँ पर जाएगी हमारी 100 के आसपास, 80 तो चली जाएगी। ठीक है, अभी हो रहे हैं रात के 11, ठीक है, और गाड़ी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। स्टार्ट हमने किया था दोपहर में, करीबन 3 बजे निकले थे हम रूम से, थोड़ा सा आराम ज़्यादा हो गया था आज और नींद थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो ये जो नींद थी इसको पूरा कर दिया था हमने, बट ये जो दिन था ये पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए हम रात में थोड़ा सा ट्रैवल कर रहे हैं, हल्का सा मतलब हल्के से राइड कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आज का दिन हमारा वसूल हो जाए, हम थोड़ा सा इतनी ज़्यादा मतलब दूरी कवर कर लें ताकि हमें दिक्कत ना हो कल सुबह उठेंगे बढ़िया सा, और उसके बाद वहाँ पर नाइट स्टे करेंगे, और उसके बाद अगली मॉर्निंग यानी कल सुबह day 3 वहाँ जाके हम रुकेंगे और उसके बाद आपसे बातें करेंगे। ठीक है, टनल हो गई ये ख़त्म। भाई यहाँ पे देखो पूरा का पूरा कुप अंधेरा हो गया, यहाँ से रोड है बंद बिल्कुल, तो हमें क्या मुड़ना है, छोटी सी गली है, अब यहाँ से क्या ब्लैक आइस शुरू है, ऐसा कहना आ रहा है कि भाई रोड पे जो है राइस रोड पे बर्फ़ बिछी हुई है, तो ध्यान से जाना वो बोल के गए हैं, तो हम बड़े ध्यान से जाएंगे भाई। और देखो सामने कोने में देख रहे लाइट जल रही है, देखो दिख रही है वो छोटी सी पतली सी रोड है, वहाँ से निकलना है चुकी है। और हम हो गए हैं ये जलोरी पास कोई करके जगह है, और ये यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से बर्फ़ स्टार्ट हो जाएगी रोड पर बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख रहे हो सामने पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, शायद आपको दिख पा रही हो। तो अब ये देख रहे हो, मैं दिखवाई भी नहीं दे रहा यार आपको, हम पूरी पूरी रात बाइक चलाएंगे अभी पूरी। ये देखो मंदिर, देखो सामने मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर जलोरी पास के पास पड़ता है और पूरा ढका रहता बर्फ़ से, अभी पूरा ढका हुआ बर्फ़ से, बस अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा। ये भाई की गाड़ी है और ये मेरी गाड़ी स्कूटी है, तो भाई अभी हम यहाँ पे पूरी खड़ी चढ़ाई पाए हैं, पै 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 करते हुए हम 30 की स्पीड में आ गए हैं भाई, है भाई 30 कहाँ 10 20 10 20 10 20। तो भाई अभी जो है हमें निकलना है फटाफट से आगे की तरफ, हमें मनाली पहुँचना किसी भी हालत में, तो मुझे लगता है कहना कि 2 बज जाएंगे रात के, अभी बज रहे हैं कितने भाई, अभी कितने बज रहे हैं, 7:40 अभी 7:40 हो रहे हैं, और ये भी निकलना ही है यहाँ से हम, तो अभी चाय पीने के लिए हम रुके हैं, फटाफट से चाय पीते हैं और अपने आप को गर्म करते हैं और फटाफट से माहौल गर्म करते हैं, निकलते हैं यहाँ से आगे। भाइयों देखो अभी हो रही है रात और रात के बज रहे हैं 2, ठीक है 2 के आसपास हो रहे हैं, 2 बजे के आसपास, और हम मनाली वाली रोड पर चल रहे हैं। मनाली यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर रह गए हैं, और मेरी जो स्कूटी पंचर हुई है, ये पंचर हो गई है एक्चुअली, इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे बैठा हूँ और आपको आगे कैसा दिखाई दे रहा होगा, मैं पंचर पे गाड़ी चला रहा हूँ, पंचर भी मतलब हवा कम हो गई है, बहुत कम हो गई है हवा, ठीक है, तो देखते हैं ट्यूबलेस टायर है, हो सकता है हवा धीरे धीरे कम हुई है और कुछ बारीक पंचर हो, तो फटाफट से पंचर वाली दुकान ढूंढते हैं, दुकान तो मिलने वाली है नहीं भूल जाओ, क्योंकि रात हो गई 2 बज रहे हैं, ठीक है सब कुछ बंद है, और बंद होने का रीज़न आप जानते हो कि रात हो गई है। तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अभी 15 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना है मनाली के लिए, मनाली में हो सकता है हमें स्टे करने के लिए रूम मिल जाए, वहीं पर हम गाड़ी खड़ी करेंगे, और हमने खाना खा लिया है अच्छे से होटल में, ठीक है, तो देखते हैं। जैसा भी आगे का ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई गाड़ी बहुत आराम चला रहा हूँ, जैसे कि देखा 50 की स्पीड में, ठीक है, और अभी आगे से पंचर है, बहुत दिक्कत हो रही है, क्या करें, पंचर है तो है, मतलब ट्यूबलेस टायर है, सोचा था नहीं हो पाएगी, पर अभी यहाँ पे बैठना खोल के बैठना भी ठीक नहीं है, समझदारी नहीं है, क्योंकि रात के 2 बजे अगर मैं गाड़ी लेके खड़े होकर के बैठता हूँ कहीं भी, तो भाई यहाँ पे भालू शेर लिपेड वगैरह आने का डर होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक जगह स्टेट नहीं खड़ा हो सकता। हाँ जहाँ पर ढाबा हो तो कुछ भी हो तो कर सकते हैं, पर 2 बजे के आसपास रात को सारी की सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। मनाली के अंदर ही हमें सब कुछ मिलेगा, मनाली में सारी चीज़ें ओपन रहती है रात भर, उसका रीज़न क्योंकि वो मनाली एक ऐसी जगह है जहाँ पर टूरिज़्म किस चीज़ का बहुत ज़्यादा माना जाता है, मतलब टूरिज़्म ज़्यादा चलता है, और इस टाइम तो मैं कह सकता हूँ एक तरह से ऑफ सीजन है, बटानी वहाँ पे होगा भी नहीं होगा, वैसे होना चाहिए जहाँ तक देखा है, तो कुल मिला के देखते हैं और वहाँ चल के ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं। पर जहाँ तक मेरा आइडिया है गाड़ी खड़ी कर दूँगा, सुबह करवाऊँगा जो भी करना है पंचर का काम धाम, और अभी फटाफट से चलते हैं हमारे गाड़ी को लेकर, ठीक है भाई, हमारा साथ ही एक रोक रहा है गाड़ी को लेकर।